राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए एक तरफ दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के ही केशवपुर मंडी में कोविड 19 के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही है। जहां भीड़भाड़ वाली इस मंडी में लगभग 80% लोग बिना मास्क के नजर आए, वहीं दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दे रही है, वहीं कई तरह के नियमों और कानूनों के चलते नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक तरफ कोविड 19 के केस लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता भी सभी नियम और कानूनों की लापरवाही बरतती दिख रही है। कुछ ऐसा ही नजारा पश्चिमी दिल्ली के केशवपुर मंडी का है, जहाँ दिल्ली सरकार के ही केशवपुर मंडी में कोविड 19 के नियमों की पूरी तरह से अनदेखी करते देखा गया। जहां भीड़भाड़ वाली इस मंडी में लगभग 80% लोग बिना मास्क के नजर आए, वहीं इलाके के डीएम, एसडीएम, मंडी प्रशासन और लोग धड़ल्ले से बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड 19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे और लोग मास्क न पहनने के हजारों बहाने बनाते दिखे। जी, यहां पर हम काम करते थे, हमें कोरोना कहां से होगा? अब मास्क वैसे हमारी जिम में भी है, अगर आप कहो तो लगा लेंगे। हम क्यों कहेंगे, कोरोना और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं हम पूरा। लोग कहते हैं बात करने में दिक्कत होती है, ये वो बहाना मार देते हैं, लेकिन लगाते हैं। पुलिस वाले आ जाएंगे तो सबके मुंह पे लग जाएगा। मंडी की तरफ से कोई सुविधा यहाँ नहीं दी गई क्या? वो मंडी की तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन थोड़ी देर होता है फिर वही कहानी हो जाती है। फिलहाल दिल्ली सरकार भले ही कोरोना केसेस को लेकर बड़ी बड़ी कवायदें करती दिखे, लेकिन कोविड 19 के मामले में तभी कमी आएगी जब दिल्ली की जनता सरकार के नियम और कानूनों को गंभीरता से लेगी और उसका सख्ती से पालन करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली में लगातार 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। ओपी शुक्ला, टोटल न्यूज़, दिल्ली।